हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हैं, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ही पढ़ाया है, जो चैप्टर मैंने इसका क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसमें भी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मैंने पहले लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, पहले आप उसको लिख लेना, ठीक है। उसके आगे फिर लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब डिस्टेंस का जो बीच का है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम दो हुआ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। फॉर टू ऑब्जेक्ट मासेज स्मॉल एम वन स्मॉल एम टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर ले लिया है यहाँ पर। फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज एफ इक्वल टू जी, जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया है कि वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट एम ई बी द मास ऑफ द अर्थ एंड एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्फेस। इफ आर इज द रेडियस ऑन द अर्थ देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन एफ इक्वल टू जी एम ई। एम ई जो है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बाय कैपिटल आर स्क्वायर जो कि रेडियस है अर्थ का, ठीक है। इतना काफी है। अब नेक्स्ट पेज में है, 136 पेज में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। When an object is released from a height, it falls down towards the surface of Earth under the influence of gravitational force. The motion of object is said to have free fall. The motion of the object is said to have free fall. मतलब जैसे ये object है, ये automatically इसे खींचा नीचे की तरफ, है ना, बस फेंका तो gravity क्या करती है, उसको attract कर लेती है कि नहीं। Next question पे चलते हैं, what do you mean by acceleration due to gravity? When an object falls toward the ground from a height, then its velocity changes during the fall. ठीक है? This changes velocity produces acceleration in the object. This acceleration is known as acceleration due to gravity, जिसको small g से भी हम लोग denote करते हैं, जिसका value 9.8 meter per second square है, ठीक है। इतना answer काफी होगा इसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज 138 में दिया है, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, ठीक है। तो मास में क्या होगा, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, और वेट क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। मास क्या है, इट इज मेजर ऑफ इनर्सी ऑफ द बॉडी, वेट है इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। मास में मास इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, वेट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है वेट की। मास इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेट में इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मास में इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, वेट में इट्स एसआई यूनिट इज फोर्स एट इज न्यूटन, ठीक है। जैसे फोर्स है ना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, वो होगा यहाँ पर। चलिए इतना काफी इस क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑफ ऑन द अर्थ। तो लेट मान कर लेते हैं एम ई जो मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम बी एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, और लेट कर लेते हैं आर ई जो है वो रेडियस है अर्थ का। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट डब्ल्यू ई ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस अर्थ इज गिवन बाय, तो डब्ल्यू ई इक्वल टू जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई, एम ई क्या है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बाय आर ई का स्क्वायर जो रेडियस है अर्थ का। तो लेट कर लेते हैं फिर से एम एम एंड आर एम विद द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून,
अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट डब्ल्यू एम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज गिवेन बाय डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम एम स्मॉल एम बाय आर एम का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो में कर लेते हैं। डब्ल्यू एम मतलब मून का वेट बाई अर्थ का वेट, तो एम एम आर ए स्क्वायर बाय एम ई आर एम का स्क्वायर, क्योंकि जी दोनों में आएगा, जी जी कट जाएगा, ठीक है। वे आर एम ई इक्वल टू 5.98 इंटू 10^24 के जी, एम एम इक्वल टू 7.36 इंटू 10^22 के जी, आर ई इक्वल टू 6.14 × 6 एम, आर एम इक्वल टू 1.74 × 6 एम। अब उसका हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे कट करके तो आएगा आपको 0.165, जो कि सिमिलर है 1/6 की, मतलब मून बाय अर्थ का जो रेशियो है वो है 1/6 का, तो वेट जो है मून पर अर्थ के वेट का 1/6 हो जाता है, ठीक है। इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अब पेज नंबर 141 में क्या है, क्वेश्चन है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। अब इसका आंसर लिखा है मैंने, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए थिन स्ट्रैप बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज क्वाइट लार्ज, दिस इज बिकॉज द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, द स्मॉलर इज द सर्फेस एरिया द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सर्फेस, इन द केस ऑफ थिन स्ट्रैप कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया इज वेरी स्मॉल, हेंस द प्रेशर एग्जर्ट इन द शोल्डर इज वेरी लार्ज, ठीक है। इतना आंसर काफी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी, द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट इज नोन एज बायंसी, व्हेन यू ट्राई टू इमर्ज एन ऑब्जेक्ट इन वाटर देन यू कैन फील एन अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विच इंक्रीज एज यू पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इन टू वाटर, यह है बायंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इसका आंसर है इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट सिंक्स इन द लिक्विड, दिस इज बिकॉज द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। On the other hand, if the density of the object is less than the density of the liquid, then it floats on the surface of the liquid. This is because the buoyant force acting on the object is greater than the force of the gravity. ठीक है, इतना काफी इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट पेज 142 में क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेट मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? आंसर में लिखना, व्हेन यू वेट योर बॉडी एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट दिस अपवर्ड फोर्स इज बायंट फोर्स एज अ रिजल्ट द बॉडी गेट पुश स्लाइटली अपवर्ड्स काउजिंग द वेटिंग मशीन टू शो अ रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, when measured on weighing machine in reality one is heavier than the other, can you say which one is heavier and why? ठीक है, the bag of cotton is heavier than the iron bar, this is because the surface area of the cotton bag is larger than the iron bar, hence more buoyant force act on the bag than that on an iron bar, this makes the cotton bag lighter than its actual value. For this reason, the iron bar and the bag of cotton show the same mass on the weighing machine, but actually the mass of the cotton bag is more than that of the iron bar. ठीक है? Next question, हम लोग exercise पे चलते हैं अब. Exercise का पहला question है, How does the force of gravitation between the two objects changes when the distance between them is reduced to half? आंसर लिखना, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इसको वैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही बता चुका हूं ऐसे ही लिखना है, इफ डिस्टेंस आर बिकम आर बाई टू देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/r², क्योंकि नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, वो नीचे नहीं अब ऊपर चला जाता है तो 4/r² हो जाता है। Hence, if the distance is reduced to half, then the gravitational force becomes 4 times larger than the previous value. Okay? Question number 2 है, gravitational force act on an object is proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो आंसर लिखना, all object fall on ground with constant acceleration called acceleration due to gravity in the absence of air resistances. It is constant and does not depend upon the mass of an object.
हेंस हैवी ऑब्जेक्ट नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 केजी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस. तो मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 केजी एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10^6 मीटर. तो आंसर लिखना अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज गिवेन बाय एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. जहां पर वेयर मास ऑफ अर्थ एम इक्वल टू 6 × 10^24 केजी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम इक्वल्स टू 1 केजी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ स्मॉल आर रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू 6.4 × 10^6 मीटर. देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 6.7 × 10^-11 × 6 × 10^24 × 1 बाय 6.4 × 10^6 का होल स्क्वायर. जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 न्यूटन आता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The Earth and the Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the Moon attracts the Earth? Why? Answer likhna. According to the universal law of gravitation, two objects attract each other with equal force but in opposite directions. The Earth attracts the Moon with an equal force with which the Moon attracts the Earth. Okay? Next question hai. If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? Answer likhna. The earth and the moon experience equal gravitational force from each other. However, the mass of the earth is much larger than the mass of the moon. Hence, it accelerates at a rate lesser than the acceleration rate of moon towards the earth. For this reason, the earth does not move towards the moon. ठीक है? Next question में चलते हैं. What happens to the force between the two objects if the mass of an object is doubled? According to universal law of gravitation, the force of gravitation between the two objects is given by F equal to G M M by R square. So, पहला question है mass of an object is doubled. तो क्या लिखना? If F is directly proportional to the mass of the object, if the mass of one object is doubled, then the gravitational force will also get doubled. Second कह रहा है distance between the object is doubled and tripled. F is inversely proportional to the square of the distance between the objects. If the distance is doubled, then the gravitational force becomes 1/4 of its original value. Similarly, if the distance is tripled, then the gravitational force becomes 1/9 of its original value. थर्ड क्वेश्चन है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड. लिखना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ मासेज ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 times द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है. What is the acceleration of free fall? When object falls toward the earth under the effect of gravitational force alone, then they are said to be in free fall. Acceleration of free fall is 9.8 meter per second square, which is constant for all object, irrespective of their masses. ठीक है? Next question में चलते हैं. What do we call gravitational force between the earth and an object? Gravitational force between the earth and an object known as the weight of the object. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है. अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिज हिम एट द इक्वेटर. विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बाउट? इफ नॉट व्हाई? जी का इसने बोला है कि जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. वेट ऑफ द बॉडी ऑन द वेट इज गिवन बाय अर्थ इज गिवन बाय डब्ल्यू इक्वल टू एम जी. जैसे होता है W टू एम एल यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है तो G हो जाएगा. तो M है मास ऑफ द बॉडी और G है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द वैल्यू ऑफ G इज स्मॉल G इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर. देयरफॉर गोल्ड एट द इक्वेटर वेट लेस देन दैट एट द पोल्स. हेंस अमित्स फ्रेंड विल नॉट एग्री विद वेट ऑफ द गोल्ड बाउट. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाई विल अ सीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल?
आंसर लिखना, व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल देन इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, हेंस रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन थ्रू द एयर डिक्रीजेस एंड इट फॉल्स फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ऑल्सो वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर वेट ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 98 न्यूटन। All right, and weight of the same object on the moon equal to 1/6 into 98 equal to 16.3 newton. ठीक है, अब next question पे चलते हैं। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate करना है maximum height to which it rises. पहला question solve करते हैं हम लोग। According to the equation of motion under gravity, b square minus u square equal to 2gs. तो यहाँ u क्या है, नियर वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, s क्या है, हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो, दैट इज v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और u क्या है 49 मीटर पर सेकेंड। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन स्मॉल g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, लेट h बी द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, हेंस यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs, तो वी हैव 0 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड h, तो h इक्वल टू हो जाएगा 49 इनटू 49 बाय 2 मल्टीप्लाइड 9.8 इक्वल्स टू 1.122.5 मीटर। ठीक है, लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल। अब सेकंड क्वेश्चन तो था इसमें टोटल टाइम इट टेक्स रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसमें क्या करेंगे, लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइट टू 122.5 मीटर, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस gt, वी गॉट 0 इक्वल्स टू 49 प्लस ब्रैकेट 9.8 इंटू t इक्वल्स टू 9.8 t इक्वल टू 49, t इक्वल टू 49 बाय 9.8 इक्वल टू 5 सेकेंड, बट टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है उसका ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs, वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, हाइट ऑफ s इक्वल टू हाइट ऑफ स्टोन इक्वल टू 19.6 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Therefore, b square minus 0 square equal to 2 multiplied 9.8 multiplied 19.6. तो b square equals to 2 in multiplied 9.8 multiplied 19.6 equals to 19.6 का whole square. v equals to 19.6 meter per second. Hence, the velocity of the stone just before touching the ground is 19.6 meter per second. Next question. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? Answer likhna. According to the equation of motion under gravity, v square minus u square equal to 2gs, where u equal to initial velocity of the stone equal to 40 meter per second, v equal to final velocity of the stone 0 meter per second, s equal to height of the stone, g equal to acceleration due to gravity equal to minus 10 meter per second square, will opposite jayega. Let h be the maximum height attained by the stone. Therefore, g square minus 40 square equal to 2 multiplied minus 10 multiplied h implies h equal to 40 multiplied 40 upon 20 equals to 80 meter. Therefore, total distance covered by the stone during its upward and downward journey equals to 80 plus 80 equal to 160 meter. Net displaced during its upward and downward journey equals to 80 plus minus 80 equal to 0.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 × 10⁻²⁴ केजी एंड ऑफ द सन इक्वल्स 2 × 10⁻³० केजी. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 × 10⁻¹ मीटर. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज गिवन बाय F equals to G multiplied M mass of sun multiplied mass of earth by R square. तो mass of sun दिया हुआ है, earth दिया हुआ है, तो उसमें directly F का value put कर देंगे. 6.7 × 10⁻²⁴ × 1.5 × 10⁻¹² का whole square. इसको evaluate करेंगे तो value मिलेगी 3.57 × 10⁻²² न्यूटन. Hence, the force of gravitation between the earth and the sun is 3.57 × 10⁻²² Newton. Next question पे चलते हैं हम लोग. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. Let two stones meet at a time t. When the stone dropped from the tower, initial velocity u equal to 0 meter per second. Let the displacement of the stone in time t from the top of the tower be s. Acceleration due to gravity g, small g equals to 9.8 meter per second square. From the equation of motion, s equal to ut plus half at square. S equal to 0 multiplied t plus half multiplied 9.8 multiplied t ka square. S equals to 4.9 t ka square. Ye equation man, one man lena. When the stone thrown upward, initial velocity u equals 25 meter per second. Let current displacement of the stone from the ground in time t be s dash. Acceleration due to gravity small g equals to minus 9.8 meter per second square. Because stone upar feka gaya hai, to acceleration kya hoga? Gravity ka minus mein hoga. Equation of motion s equal to ut plus half at square. तो s dash मैंने माना है, तो s dash equal to क्या हो जाएगा? 25 multiplied t minus half 1/2 multiplied 9.8 multiplied t square. तो s dash equal to 25 t minus 4.9 t का square. Equation 2 मान लेना. The combined displacement of both stones at the meeting point is equal to the height of the tower 100 meter. S dash plus s equal to 100. 25 t minus 4.9 t squared plus 4.9 t squared equal to 100. तो 4.9 t का square plus ये minus दोनों कट जाएगा, right? यहाँ देखिए रहो आराम से दोनों कट जाएगा. तो t equals to 100 by 25 second equal to 4 second. In 4 second, the falling stone had covered a distance by 1 as s equal to 4.9 into 4 square equal to 78.4 meter. Therefore, the stone will meet after 4 second at a height 100 minus 78.4 equal to 20.6 meter from the ground. ठीक है? Next question पे चलते हैं. A ball thrown vertically returns to the thrower after 6 second. Find पहला है the velocity with which it was thrown up. ठीक है, तो पहला हम लिखना है the time of ascent is equal to the time of descent. The ball takes a total of 6 second for its upward and downward journey. Hence it has taken 3 second to attain the maximum height. Final velocity of the ball at maximum height v equal to 0 meter per second. Acceleration due to gravity small g equal to 9.8 meter per second square. Using equation of motion small v equal to u plus at, we have 0 equal to u plus bracket minus 9.8 multiplied 3, u equal to 9.8 multiplied 3 equal to 29.4 meter per second. Hence the ball was thrown upwards with a velocity of 29.4 meter per second. Okay, next question is maximum height it reaches. Let the maximum height attained by the ball be h. Initial velocity during the upward journey u equal to 29.4 meter per second. Final velocity v equal to 0 meter per second. Acceleration due to gravity small g equal to 9.8 meter per second square. ठीक है? तो using equation of motion s equal to ut plus half at square. H equal to 29.4 multiplied 3 minus 1/2 multiplied 9.8 multiplied 3 square. H equal to क्या हो जाएगा? 44.1 meter. Hence, the maximum height is 44.1 meter. Next question hai, its position after 4 seconds. So, kya karenge? Ball attains the maximum height after 3 seconds. After attaining its this height, it will start falling downwards. In this case, initial velocity u equal to 0 meter per second.
पोजिशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द थ्रोन इज गिवन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी इन 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड 9.8 मल्टीप्लाइड 1 स्क्वायर तो एस इक्वल्स टू 4.9 मीटर Total height equal to 44.1 meter. This means the ball is 39.2 meter. How we can find 44.1 meter minus 4.9 meter above the ground after 4 seconds. Okay, next question में चलते हैं. In what direction does the buoyant force of on an object immersed in a liquid act? An object immersed in a liquid experiences buoyant force in the upward direction. Next question or last question I think. नहीं, last नहीं है. Why does a block of plastic release underwater comes up to the surface of water? तो आंसर लिखना two force act on an object immersed in water, one in the gravitational force which pulls the object downwards and other in the buoyant force which pushes the upward. If the upward buoyant force is greater than the downward gravitational force, then the objects come up to the surface of water as soon as it is released within water. Due to this reason, a block of plastic released underwater comes up the surface of the water. Next question. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per gram centimeter cube, per gram centimeter cube, will the substance float or sink? If the density of a substance is more than the density of liquid, then it sinks in the liquid. On the other hand, if the density of a liquid object is less than the density of a liquid, then it floats on the surface of the liquid. Here, density of a substance equal to mass of the substance by volume of the substance equal to 50 by 20 equal to 2.5 gram per centimeter cube. The density of substance is more than the density of water, 1 gram per centimeter cube, and the substance will sink in water. Next question. The volume of 500 gram seal packed is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in the water? If the density of water is 1 gram per centimeter cube, what will be the mass of water displaced by this packet? Density of 500 gram sealed packet equal to mass of the packet by volume of the packet equal to 500 by 350 equals to 1.428 gram per centimeter cube. The density of the substance is more than the density of water, 1 gram per centimeter cube. Hence, the mass of water displaced by the packet is equal to the volume of packet, that is 350 gram. Alright, तो अब चैप्टर खत्म हो गया. इतना ही क्वेश्चंस थे. आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके भी लिख सकते हो. अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. थैंक यू.